Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata Hare Nama Eva Kevalam Kalo Nasteva 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 Gatiranyata श्रीमद्भागवतम के पहले स्कंद के 14 अध्याय के श्लोक क्रमांक 9 को देखेंगे। तो श्लोक प्रारंभ करने से पहले हम गुरु और गौरांग को प्रणाम करके हम लोग प्रणाम करेंगे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति निष्ठुकी। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच प्रभु जी को कि उन्होंने मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो मैं आज प्रयास करूंगा कि जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से जो कुछ मैंने सुना है वही मैं आज बोलने का प्रयास करूं। सो आज हम पहले स्कंद का 14 अध्याय का श्लोक क्रमांक 9 को देखेंगे। और ये जो 14 अध्याय है इसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण का अंतर ध्यान होना। तो श्लोक इस प्रकार है। यस्मान्न संपदो राज्यम दारः प्राणः कुलं प्रजः आसन सप्तान विजयो लोकाश्च यद अनुग्रहात। तो ट्रांसलेशन श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ट्रांसलेशन। केवल उन्हीं से हमारा सारा राजसी ऐश्वर्य अच्छी पत्नियां जीवन संतान प्रजा के ऊपर नियंत्रण शत्रुओं पर विजय तथा उच्च लोक में भावी निवास सभी कुछ संभव हो सका। यह सब हम पर उनकी अहेतु की कृपा के कारण है। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज यहाँ पर भगवान कृष्ण के गुणानुकीर्तन कर रहे हैं कि कृष्ण की भगवान कृष्ण की उन पर विशेष कृपा है उसी उसके बारे में इस श्लोक में बता रहे हैं। तो हमने अब तक यही देखा कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज मतलब बहुत उनको आतुरता हो रही थी कि मतलब अर्जुन जो द्वारका गए थे वो फिर से मतलब वापस नहीं आए और सब जगह मतलब अशुभ भी हो रहा था। तो उनको ऐसा व्यतीत हो रहा था कि शायद भगवान कृष्ण मतलब अपनी लीला समाप्त करके इस धराधाम को छोड़ के गए ऐसा उनको लग रहा था। तो हमने जैसे कि छठवें श्लोक से देख रहे कि महाराज युधिष्ठिर जी भीम से इसकी वार्तालाप कर रहे कि किस तरह से मतलब भगवान कृष्ण के कृपा से ही उन्हें ये सब प्रदान हुआ। तो आज के श्लोक में उसी के बारे में बताया जा रहा है कि जो कुछ मतलब जो कुछ युधिष्ठिर महाराज जो कुछ युधिष्ठिर महाराज को मिला हुआ था वो सब भगवान की कृपा से मिला हुआ था। और हम ये देखेंगे कि क्या युधिष्ठिर महाराज को मतलब युधिष्ठिर महाराज के समय उनको किस तरह से भगवान की अहेतु की कृपा प्राप्त हुई। तो हम अगर थोड़ा सा पीछे चलते हैं तो हमने 10वें अध्याय में जब जहाँ पे हमने
भीष्मदेव भीष्म पितामह जी का जब उन्होंने अपना देह त्याग किया था, तो उस अध्याय में अगर हम जाते हैं तो वहां पे इसका उल्लेख हुआ है कि जब युधिष्ठिर महाराज अपना राज्य जब ये शासन कर रहे थे युधिष्ठिर महाराज, तो उनके जो राज्य में क्या कुछ मतलब क्या कुछ भगवान की कृपा से वहां पे थी, तो अगर हम वो देखेंगे तो पहले अध्याय के दसवें पहले स्कंद के दसवें अध्याय के श्लोक क्रमांक 4, 5 और 6 में इसका विवरण हुआ है कि भगवान की इतनी असीम कृपा थी कि युधिष्ठिर महाराज जब वो जब ये राज्य संभाल रहे थे, तो मैं सिर्फ वो ट्रांसलेशन पढ़ूंगा कि क्या वहां पे प्रभुपाद जी ये बता रहे थे 4थे, 5वें और 6वें श्लोक में कि महाराज युधिष्ठिर के राज्य में मनुष्य को जितना भी पानी चाहिए था बादल उतना पानी बरसाते थे और पृथ्वी मनुष्य को सारी आवश्यकताओं की पूर्ति पर्याप्त मात्रा में करती थी। दूध से भरे स्तनों वाली तथा प्रसन्न चित्त गायें अपनी दूध से चारा गाई के सिक करती रहती थी। प्रत्येक ऋतु में नदियां समुद्र पर्वत जंगल लताएं तथा कारागृह औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकता करते थे। क्योंकि राजा का कोई शत्रु ना था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं थे। तो हमने ये पहले स्कंद के दसवें अध्याय के 4, 5 और 6वें में हमने देखा था कि इतना कुछ वहां पे इतना कुछ जब युधिष्ठिर महाराज का जब शासन था, तो ये सब मतलब भगवान की असीम कृपा थी, उनके उस भगवान की कृपा के कारण ही उन्हें ये सब प्राप्त हुआ था। तो वही हम यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जी बताते हैं कि भगवान की कृपा से ये जो ऐश्वर्य ये अच्छी पत्नी संतानें प्रजा के ऊपर नियंत्रण ये सब भगवान की कृपा से उन्हें प्राप्त हुआ था। तो प्रभुपाद जी उसको ही आगे प्रभुपाद जी यही अपने तात्पर्य में बता रहे हैं आज के श्लोक में कि भगवान की कृपा और उनकी मर्जी के कारण सब कुछ घटती है। उनके मर्जी के बिना कुछ होता ही नहीं है इस दुनिया में। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं। सो यहाँ पे एक क्वालिटी भक्तों का ये देख सकते हैं कि भक्तों की जो मेंटेलिटी है या भक्तों की जो सोच है वो क्या है यहाँ पे कि भक्त ये हमेशा जो शुद्ध भक्त रहते हैं वो हमेशा जो कुछ उन्हें हासिल हुआ है इस भौतिक जगत में जो कुछ उन्हें हासिल हुआ है तो वो कभी भी ये सभी जो कुछ उनको प्राप्त हुआ है वो सब भगवान की कृपा समझते भले ही वो मतलब मतलब कितने भी वो स्कॉलर रहने दीजिए पर उन्हें उनकी जो अचीवमेंट है उन्हें यही लगता है उन्हें वो सब भगवान के ऊपर भगवान के मतलब भगवान की कृपा के ऊपर ही वो समझते कि ये सब भगवान की कृपा से मिला हुआ है। और ऐसे अगर हम भौतिक अगर जो भौतिक व्यक्ति है उनको हम देखते तो वो हमेशा यही बोलता है कि ये जितना भी मैंने परिश्रम किया हुआ है ये मेरे खुद की परिश्रम की वजह से मुझे प्राप्त हुआ है। बट भगवान के जो भक्त है वो ऐसा नहीं रहते हैं। जैसे कि हम श्रील प्रभुपाद जी का अगर हमारे जो प्रिय श्रील प्रभुपाद जी का अगर उदाहरण देखते हैं तो वो कभी भी मतलब हम हमेशा उनके मुखारविंद से उनके लेक्चर में सुनते हैं कि वो कभी भी कुछ भी श्रेय उनको प्राप्त होता है तो वो कभी भी अपने ऊपर नहीं लेते वो या भगवान के ऊपर या अपने गुरु महाराज के ऊपर फॉरवर्ड करते हैं। वो हमेशा बोलते कि ये मेरे गुरु के कृपा से गुरु महाराज की कृपा से हुआ है या भगवान की कृपा से ये मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये हम श्रील प्रभुपाद जी के श्रील प्रभुपाद जी में हम ये क्वालिटी हम देखते हैं। तो उसी तरह जो भी भक्त रहता है वो हमें वो हमेशा भगवान की कृपा ही मानता है। तो हम आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज में भी यह हम क्वालिटी देखते हैं कि युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे बताते हैं कि ये जितने भी कुछ ऐश्वर्य जितने भी हमें प्रजा या संतान ये जो भी प्राप्त हुआ है ये मुझे भगवान की कृपा से ही प्राप्त हुआ है। तो
ऐसा मतलब हमें एकदम मतलब हमारी लाइफ में भी हमें ऐसे मतलब दीन भाव से हमें समझना है कि ये जितने भी ये जो भी हम कठिन परिश्रम करते हैं, भले ही हम जितना भी परिश्रम करते हैं, पर आखिर में भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। नहीं तो क्या होगा, तो हम भागवत गीता में जैसे कि वो श्लोक देखते हैं, भले ही हम जितना भी कठिन परिश्रम कर ले, अगर भगवान की कृपा ना हो तो क्या होगा, श्रमय एवहि केवलम, मतलब जितना भी परिश्रम किए और बट भगवान की कृपा ना हो तो वो सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ माना जाता है। तो आज के जो जैसे कि प्रभुपाद जी अपने पर्पण में ये कहते हैं कि आज के जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ ये बोलते हैं कि ये जो भी कुछ प्राप्त हुआ है ये मेरे कठिन परिश्रम की वजह से प्राप्त हुआ है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी इसके लिए एक उदाहरण देते हैं कि एक डॉक्टर का उदाहरण देते हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने पर्पट में कि आज के मतलब अगर सिर्फ और सिर्फ अगर हम ये देखें कि सिर्फ कठिन परिश्रम से ही हम ये सब कुछ प्राप्त किए हुए, अगर हम ऐसा सोचेंगे तो डॉक्टर लोग कितना परिश्रम करते हैं, अच्छे से अच्छे डॉक्टर मरीज को ठीक करने के लिए कितना कुछ परिश्रम करते हैं, फिर भी वह मतलब वो या मरीज हम देखते हैं कि कितने जो मरीज मृत्यु प्राप्त करते हैं, मर जाते हैं। तो ये सब सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर के हाथ में नहीं रहता है, कभी कभी एक कुछ बड़ा डॉक्टर भी जो रहता है वो क्या बोलता है, आई ट्रीट ही क्योर्ड, मतलब मैं अपने तरफ से दवा देता हूँ और सब भगवान की मर्जी के ऊपर है कि वो मतलब भगवान की मर्जी के ऊपर है। और हम देखते भी है कि बहुत सारे जो डॉक्टर है वो बोलते, अगर समझो कि कोई बहुत गंभीर परिस्थिति में है, बहुत गंभीर परिस्थिति में वो मतलब बीमार है, तो भगवान डॉक्टर भी सामने से यही बोलता है कि मैं तो मेरे तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, फिर सब भगवान के ऊपर है, या आप भगवान से प्रे करिए। तो हम इसमें यही प्रभुपाद जी हमें समझाते हैं कि वो जो डॉक्टर भी है, कभी कभी क्या होता है, प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं कि पर्पट में कभी कभी अच्छा व्यक्ति भी मतलब बहुत बीमार व्यक्ति भी जल्दी से ठीक भी हो जाता है। तो ये सब क्या है, भगवान की कृपा से होती है। तो हमें ये हमेशा समझना है कि हम इस धराधाम में प्रभुपाद जी बताते हैं कि हम इस दुनिया में आए हैं, तो जो भी कुछ यहाँ पे घटित होता है वो भगवान की इच्छा से और भगवान की निर्देशन से वो सब घटित होता है। यहाँ पे जो भी होता है वो भगवान के निर्देशन से और उनकी सैंक्शन होना बहुत जरूरी है। जो कुछ कार्य हम करते हैं उसका फल के लिए उनका सैंक्शन होना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे वही बता दे, हम ऐसे भी हम देखते हैं कि भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, हम वो हमेशा सुनते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे भी युधिष्ठिर महाराज वही बता रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने ये जो प्राप्त किया है वो भगवान के कारण ही प्राप्त किया हुआ है। तो ये एक उदाहरण प्रभुपाद जी यहाँ पे देते हैं। और हम अगर भगवद गीता में देखते हैं, भगवद गीता में भी इसके बारे में उल्लेख हुआ है कि पांच कारण के वजह से किसी भी जो हम कर्म करते हैं वो पांच कारण के वजह से होता है। तो भगवद गीता में 18 अध्याय में श्लोक क्रमांक 14 में इसका वर्णन हुआ है। तो उसमें ये बताया जाता है कि अधिष्ठानम तथा कर्ता कारणम च प्रत्येक विधम विविधश्च चापरतक चेष्टा दैवम चैवात्र पांचमम। तो इसमें ट्रांसलेशन में ये बताया जा रहा है कि कर्म का स्थान शरीर, कर्ता विभिन्न इंद्रिया, अनेक प्रकार की चेष्टाएं तथा परमात्मा, ये पांच कर्म के कारण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि ये जो पांच चीजें हैं, एक तो हो गया शरीर और कर्ता मतलब जो आत्मा, फिर हमारी इंद्रिय, फिर अनेक प्रकार की हमारी चेष्टाएं, फिर आखिर में परमात्मा। तो ये जो पांच चीजें, इसके वजह से हम कर्म कर पा रहे हैं। तो प्रभुपाद जी आखिर अपने तात्पर्य में बताते हैं कि जो परमात्मा है उनके निर्देशानुसार ही सब कुछ घटित होता है। हम जो भी कर्म करें अगर उनका सेंक्शन ना हो, परमात्मा जो हमारे हृदय में विराजमान है अगर उनका सेंक्शन ना हो तो वो क्या है, श्रमय एवहि केवलम, मतलब हमारा कर्म
पूरी तरह विफल हो जाता है या असफल हो जाता है। तो हमें ये नहीं सोचना है, प्रभुपाद जी बता रहे अपने तात्पर्य में कि जो जो कुछ हम कठिन परिश्रम करते हैं वो सिर्फ हमारे कारण ही नहीं हो रहा है, वो भगवान की कृपा भी वहां पे है, उसकी वजह से वो कार्य पूरी तरह हो रहा है। तो यहाँ पे हम जैसे कि हम जब भी हम भागवतम स्टार्ट करते हैं तो हम एक प्रेयर गाते हैं, क्या कहते हैं, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायति गिरम यत कृपा तमहम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। तो इसका अर्थ क्या है कि गुरु की कृपा या भगवान की कृपा से गूंगा भी एक महान वक्ता बन सकता है और लंगड़ा भी पर्वत को पार कर सकता है। भगवान ब्रह्मा की सलाह के अनुसार यदि कोई अपने जीवन में सफलता चाहता है तो उसे इस शास्त्र आदेशों का याद करना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मोकम करोति वाचालम पंगुम लंगायति गिरम यत कृपा तमहम वंदे। तो भगवान मतलब गुरु और या भगवान भगवान की कृपा से एक गूंगा व्यक्ति भी एक अच्छा वक्ता बन सकता है और लंगड़ा भी पर्वत पार कर सकता है। तो हम ये देखते हैं कि हम हमेशा ये सुनते हैं, तो इसमें भी यही बताया जा रहा है कि भगवान की कृपा कितनी जरूरी है। अगर भगवान का कृपा हुआ तो वो गूंगा व्यक्ति भी बोल उठेगा। तो वहां पे भी हम यही देख रहे हैं कि भगवान की कृपा होना बहुत जरूरी है। तो ये है हम लोग देखते हैं इस श्लोक में, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंगायति गिरम। तो यही प्रभुपाद जी यहाँ पे समझा रहे हैं अपने तात्पर्य में कि कितना इम्पोर्टेंट है कि जो कुछ हम करते हैं वो भगवान की कृपा के कारण ही होता है। और प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में ये बताते हैं कि ये जैसे कि महाराज युधिष्ठिर के बारे में कि महाराज जो युधिष्ठिर जो थे वो मतलब इतने बड़े भक्त थे, वो कभी भी ये नहीं चाहे कि उन्होंने कभी ये नहीं चाहे कि महाभारत का युद्ध हो। पर जब महाभारत का युद्ध हुआ और जब जब मतलब इतने कुछ लोग मर चुके और इतना कुछ हानि हुआ तो वो सब अपने ऊपर ले लिए। और आज देखिए वो जो कुछ उनको प्राप्त हुआ, जो कुछ उनको राज्य वो सब कुछ प्राप्त हुआ, वो किसकी कृपा से बोल रहे हैं, तो वो क्या बोल रहे हैं कि भगवान की कृपा से ये सब कुछ मुझे प्राप्त हुआ है। तो हमें ये महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों का हमें अनुसरण करना चाहिए। और हमें भी अपने लाइफ में भी हमारे लाइफ में भी हमको यही जो भी कुछ हम प्राप्त करते हैं, जो भी कुछ ऐश्वर्य, जो भी कुछ अच्छा, जो भी कुछ हमारे लाइफ में आती है वो सब भगवान की कृपा समझकर हमको उसका उसको लेना चाहिए। उसके लिए प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि हमें ऐसे युधिष्ठिर महाराज जैसे उनके पद चिन्हों का हमको अनुसरण करना चाहिए। तो इवन हम देखते हैं कि हम जब दामोदर लीला जब हम कार्तिक मास में हम जब दामोदर लीला का आस्वादन करते हैं उसमें भी किस तरह से माता यशोदा भगवान कृष्ण को पकड़ने गए और उन्हें कितना प्रयास किया और इतना प्रयास करने के बाद भगवान सामने से उनको देखा और उनके हाथों से वो बंध गए। तो वहां पे हम देखते हैं कि वो जो जब माता यशोदा भगवान को बांधती है तो हमेशा वो दो उंगली छोटी पड़ती है। तो हम हमेशा जो हमारे वरिष्ठ भक्त है और उनसे हम यही सुनते कि वो दो उंगली का मतलब क्या है, एक तो हमारा प्रयास और दूसरी भगवान की कृपा, ये दोनों के वजह से जैसे कि भगवान ये पूरे जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उनको कोई भी इस दुनिया में बांध नहीं सकता है, उनको माता यशोदा ने बांध दिया सिर्फ और सिर्फ किसके कारण, उनका प्रयास और भगवान की कृपा से वो भगवान को बांध पाए। तो उसी तरह अगर हमें भी भक्ति में अगर आगे बढ़ना है तो हमारा प्रयास होना जरूरी है और भगवान की कृपा भी वहां पे होना जरूरी है। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में क्या बताते हैं कि हमें हमेशा भगवान की तरफ कृतज्ञता होना है। और इसके लिए हम एक हम हमेशा एक सुंदर सुंदर एक ये जो एक हम भजन या हम प्रणाम करते क्या कहते त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडम त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तो इसमें हम लोग क्या बोलते हैं
हे प्रभु, तुम ही माता हो, तुम ही मेरे पिता हो, तुम ही मतलब तुम ही सबके मतलब जो देवी देवता के स्वामी हो, तुम ही सका हो और तुम ही विज्ञान हो और सब कुछ तुम ही हो, सब कुछ तुम हो। तो इस तरह से हमें भगवान का कृतज्ञता हमेशा करना चाहिए। इससे क्या होगा कि हम हमेशा, वो एक सुंदर भजन है वृंदावन में, उसमें क्या कहते हैं, मेरा कोई ना बिना सहारा तेरा, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा नो कोई। तो दूसरा नो कोई मतलब आपके बिना कोई दूसरा नहीं। तो ऐसे हमें कृतज्ञता होना चाहिए भगवान के ऊपर, कि हमेशा मतलब भगवान के ऊपर हमें हमेशा कृतज्ञता होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर एक सुंदर सा एक अगर हम कोई अगर एग्जांपल कोट करे, तो अगर कोई अगर कोई व्यक्ति अगर कुएं में गिरता है और उसे अगर बाहर निकलना है, तो बाहर से कोई अगर व्यक्ति अगर समझो कि वो रस्सी फेंकता है, तो वो अपने परिश्रम तो करेगा ही करेगा वो रस्सी को पकड़कर बाहर आने का, पर वो जो बाहर जो व्यक्ति जो है, जो उन्होंने वो जो रस्सी फेंकी अंदर वो कुएं के अंदर, उसके कारण ही वो व्यक्ति बाहर आ पाया। ऐसा वो कभी नहीं बोल सकता, अगर वो ऐसा बोल दिया कि आप रस्सी मत फेंको, मैं अपने खुद के परिश्रम से मैं बाहर आने का कोशिश करूंगा, तो हमेशा वो कुएं में रहेगा। तो उसी तरह हमारा परिश्रम होना जरूरी है, पर वो जो रस्सी जो फेंका है उसके जैसे कि भगवान की जो कृपा है वो भी बहुत जरूरी है, तब जाके हमारा कार्य वो सक्सेस होता है। तो वही प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में यहाँ पे बता रहे कि हमारा परिश्रम और भगवान की कृपा होनी बहुत जरूरी है, तब जाके हम भक्ति में आगे बढ़ पाएंगे। और हमें यह हमेशा प्रयास करना चाहिए कि प्रभुपाद जी बताते हैं कि हमें हमेशा प्रयास करना चाहिए कि किस तरह से मैं अपने ये जो जैसे कि हम जैसे कि भौतिक 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 चीजों के लिए जितना परिश्रम करते हैं, उसी तरह से हमें भक्ति में भी उतना ही परिश्रम करना चाहिए, ताकि हम भगवान की कृपा से भक्ति में हम आगे बढ़ सके। और जो हमारा उद्देश्य है गोलोक धाम जाने का, तो गोलोक धाम जाने का वो हम पूर्ण कर सकते हैं, तो हमें वो भी होना बहुत जरूरी है। तो इस ग्रेस अमरेंद्र पोव एक छोटा सा एक कथा बोलते थे कि एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति को ऐसा बोला कि उस व्यक्ति के पीछे एक बैग था। तो एक व्यक्ति ने उनको बोला कि आपके पास 10 मिनट है, आप 10 मिनट में जो कुछ यहाँ से उठा सकते हो, जो कुछ चीज आप उठा सकते हो आप उसको उठा लो, आपके पास 10 मिनट है, वो सब फ्री है, आप जितना 10 मिनट में उठा सकते हो उठा लो। तो वो व्यक्ति भागने लग गया। जैसे ही वो भाग रहा था तो उसको सामने से आलू दिखाई दिए, तो वो क्या किया, वो आलू पूरे अपने बैग में भर लिए। फिर वो आगे थोड़ा देर आगे गया तो उसको सामने से मोबाइल दिखाई दिया, तो उसने क्या किया, वो बैग से आलू पूरा खाली कर दिया और अपने मोबाइल जो बिखर पड़ा था वो अपने बैग में डाल लिया। फिर जैसे आगे गया तो उसको लैपटॉप दिखाई दिए, तो उन्होंने क्या किया, वो मोबाइल पूरा बैग खाली कर दिया मोबाइल से और लैपटॉप को भर दिया। और लैपटॉप भरने के बाद जैसे जैसे और आगे गया तो उसको वो गोल्ड सोना दिखाई दिया, तो उसने क्या किया, पूरा लैपटॉप खाली कर दिया और जो गोल्ड था उसको अपने बैग में भर लिया। और जैसे वो आगे भाग रहा था उसको हीरे दिखाई दिए, तो उसने क्या किया, उसके पास सिर्फ 9 मिनट हो चुका था ये सब कार्य करते करते। तो जैसे जैसे उन्होंने गोल्ड खाली कर दिया, तो जैसे ही गोल्ड खाली कर दिया और वो मोती वो जो रत्न जो है वो हीरा को भरने लग गया, तो वहां पे उसका समाप्त हो गया और उसका बैग जो था वो खाली का खाली रह गया। तो अमरेंद्र प्रभु बोलते उसी तरह ये जो मनुष्य शरीर मिला हुआ है और वो ये जो हमें एक मनुष्य शरीर मिला हुआ है और वो जो बैग क्या है, हमारा मन है। तो वो हमारे प्रभु जी बता रहे थे कि ये पूरे जीवन में हमें ऐसे मतलब अपने मन में ये जितने भी कूड़ा कचरा ना भर के भगवान की भक्ति या भगवान का स्मरण उसमें भरना चाहिए, तभी क्या होगा कि प्रभु जी बता रहे थे कि इससे क्या होगा कि हम हरे कृष्ण नाम का जप करते करते हम इस भवसागर से निकल पाएंगे। तो प्रभु जी ने लास्ट में एक अच्छा सा वर्ड बोला कि
अर्थ कमाने के लिए काम और परमात्मा कमाने के लिए नाम। तो जैसे जैसे हम भगवान का नाम करते जाएंगे, हम भक्ति में आगे बढ़ते जाएंगे। तो उसी तरह से आज का श्लोक में हम ये देख सकते कि एक भक्त का लक्षण क्या होना चाहिए कि हमेशा मैं कल एक अपने प्रभु से एक लेक्चर सुन रहा था, वो बता रहे थे कि हमें एक ऐसा लिस्ट बना लेना चाहिए जिसमें हम जो भी कुछ हमने इस भौतिक संसार में या भौतिक जगत में जो भी कुछ हमने प्राप्त किया हुआ है, वो सब हमें ये लिखना चाहिए कि ये सब भगवान की कृपा से हमने प्राप्त किया है। तो हमारी सोच जब ये हो जाएगी कि हमसे जो भी कुछ हमें मिला हुआ है, हमें वो भगवान की कृपा से मिला। इवन हम भौतिक भौतिक वस्तु ही नहीं, हमें भक्ति जो मिला हुआ है, ये भी भगवान के भक्त से ही मिला हुआ है। हमने परिश्रम तो किया हुआ है, हम हमेशा लेक्चर में सुनते हैं कि हम परिश्रम तो कर रहे हैं, हम भक्ति में कितना कुछ जप कर रहे हैं और साधना हमारी कर रहे हैं, बट हमें वो हमेशा याद रखना चाहिए कि ये जो कुछ हमें मिला हुआ है, वो जो एक भक्त का कृपा जो है, उसके कारण ही हमें ये सब मिला हुआ है। तब क्या होगा कि हमारे अंदर कभी भी वो ईगो या कभी भी ये जो भौतिक इच्छाएं हमारे अंदर प्राप्त उत्पन्न नहीं होगी, जब हम हमेशा वो याद रखेंगे कि ये भी भक्त की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है। तो उसी तरह हमें हमेशा ये याद रखना चाहिए कि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, जो भी कुछ हमें प्राप्त हुआ है भौतिक और आध्यात्मिक, ये सब भगवान की कृपा से हुआ है और उनके कृपा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर उनकी कृपा हुई तो हम इस धराधाम से तार सकते हैं, इस धराधाम से निकल सकते हैं, या नहीं तो क्या होगा कि हमारा प्रयास तो यही होगा, हम हमेशा प्रयास करते रहेंगे पर आखिर में ये होगा कि वो समय वही केवल, मतलब हमारा श्रम क्या होगा कि वो सिर्फ और सिर्फ व्यर्थ ही रहेगा, भगवान की कृपा नहीं हुआ। तो वही प्रभुपाद जी आज अपने तात्पर्य में समझा रहे और युधिष्ठिर महाराज भी वही अपने अपने भाई छोटे भाई भीमसेन को वही बता रहे कि जितना भी कुछ मुझे प्राप्ति हुआ है वो सब कुछ भगवान की कृपा पर, भगवान की कृपा से ही हमें ये प्राप्त हुआ है। तो वो पूरे जो भी कुछ ऐश्वर्य जो भी है वो सब कुछ भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है करके आज के श्लोक में युधिष्ठिर महाराज भगवान कृष्ण का गुणगान कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ और जो कुछ मैंने भक्तों के मुखारविंद से सुना है वही मैं यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। प्रभुपाद जी के पर्पट में प्रभुपाद जी हमें क्या समझाना चाह रहे तो वही मैंने यहाँ पे बोलने का प्रयास किया। तो अगर मुझसे कोई भी त्रुटि हो जैसे कि हम एक क्वालिटी यही देखते हैं कि जब कभी भी यहाँ पे जो कुछ भक्त आते हैं भागवतम करते हैं तो हमेशा वो क्या बोलते हैं कि अगर अगर हमारे मतलब ये जो भागवतम सेशन में अगर जो कुछ अच्छा कुछ बोला है तो वो हमारे गुरु महाराज या भगवान की कृपा से बोला हुआ रहेगा और जो कुछ अगर कुछ गलती हुआ है तो अपने खुद की गलती समझते हैं। तो वो भक्तों का एक लक्ष्य मतलब भक्तों की एक क्वालिटी रहती है, वो भी हम आज के श्लोक में ये हम देख सकते हैं कि किस तरह से युधिष्ठिर महाराज उसको व्यतीत कर रहे हैं। तो अगर मेरे मतलब कुछ भी अगर मैंने त्रुटिपूर्वक कुछ बातें कही हो तो वो मेरी गलती करके मुझे क्षमा कर दीजिए। हरे कृष्णा श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा जय माता जी दंडवत यस जय माता जी। हरे कृष्णा सर्वदा प्रभु जी। प्रभु जी बहुत ही अच्छे से आपने सब चीजों को समझाया और मैं ध्यान से सुना तो मुझे एक प्रभुपाद का वीडियो मैंने देखा था वो याद आया इससे जुड़ा हुआ जो आपने अभी बताया कि सब कुछ भगवान का ही है और उनका ही उनकी कृपा से ही मिलता है सब। तो उस वीडियो में मैंने देखा जो प्रभुपाद की डॉक्यूमेंट्री में कि प्रभुपाद एक ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों के साथ बैठे थे, कुछ वकीलों के साथ, और प्रभुपाद जिस सोफा पे बैठे थे तो प्रभुपाद ने उनको बताया कि दिस इज कृष्णास प्रॉपर्टी एंड हम जो हैं जो सारे जो मटेरियलिस्ट हैं जो सोचते हैं कि क्योंकि ये आज के टॉपिक से रिलेटेड इसलिए मैं ये शेयर कर रही हूँ कि प्रभुपाद बोल रहे थे कि ये सब जो है यू आर दिस इज कृष्णास प्रॉपर्टी एंड यू आर स्टीलिंग कृष्णास प्रॉपर्टी।
until unless we offer it to Krishna, it is not our property. जैसे हम लोग बचपन में देखते हैं कि हम बचपन में छोटे होते थे तो स्कूलों में जाते थे तो कुछ भी बच्चे क्योंकि उनको समझ नहीं होती तो वो एक दूसरे की पेंसिल ले लेते हैं वगैरह, तो उसको बाद में पता चलता है बड़े होके कि अच्छा दिस इज कॉल्ड स्टीलिंग एंड ऑल दैट. लेकिन ये जितने भी भौतिकवादी हैं अभी वो मटीरियल से वो तो बड़े हो चुके हैं, दे डोंट नो, तो वो भी तो वही कर रहे हैं, दे आर स्टीलिंग कृष्णास प्रॉपर्टी एंड दे आर कॉलिंग कृष्णास प्रॉपर्टी देयर ओन प्रॉपर्टी. तो यही प्रोपाद उधर उनको सारे जो ऑस्ट्रेलिया में जो जिधर बैठे थे बड़े बड़े वकीलों के साथ, प्रोपाद उनको साफ बोल रहे थे उस वीडियो में कि दिस इज कृष्णा बिकॉज दिस इज कृष्णास प्रॉपर्टी एंड दिस इज कॉल्ड स्टीलिंग कृष्णास प्रॉपर्टी बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन बाय कृष्णा, सब कुछ भगवान ने ही दिया है एंड लोग उस पर हक जमा रहे हैं कि ये मेरा है, मैंने ये बनाया, मैंने एंटॉप हिल बनाया वगैरह ये जो भी है. बिकॉज अंटिल अनलेस व्हेंस वी ऑफर दैट टू कृष्णा देन इट इज कृष्णास कृपा एंड वी कैन टेक इट एंड देन इट इज आवर्स वी कैन से बिकॉज कृष्णा हैज गिवन टू अस. अंटिल अनलेस दैट इज डन इट इज ओनली स्टीलिंग. तो बचपन में जो हम करते थे वो अभी जो बड़े लोग हैं वो भी वही कर रहे हैं, वो भी स्टील ही कर रहे हैं और ये बोल रहे हैं कि ये मैंने अपने पुरुषार्थ से कमाया, ये मुझे मिला है, मेरा है. भगवान की जो लोग भगवान ये बोलते हैं कि ये भगवान की आपके पास ये सब है बस भगवान की कृपा है, मतलब वो समझते हैं कि भगवान ने दिया है, देन दे आर नॉट स्टीलिंग बिकॉज दे आर एक्सप्रेसिंग ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द लॉर्ड बिकॉज ओनली लॉर्ड गिव्स देम. सो आई जस्ट सॉ दिस प्रभुपाद्स वीडियो एंड आई हर्ड दिस वाज वेरी टचिंग एंड इट टच्ड माय हार्ट सो आई शेयर्ड इट प्रभुजी. थैंक यू हरे कृष्ण. थैंक यू सो मच माताजी. जय माताजी. आपने बहुत अच्छा ये प्रभुपाद जी का जो डॉक्यूमेंट्री उस पर बताया. थैंक यू सो मच माताजी. हरे कृष्ण. या सत्यरथ प्रभु. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण प्रभु जी. थैंक यू सो मच प्रभु जी. बहुत अच्छा क्लास दिया प्रभु जी आपने. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि आई तो की कृपा के बारे में भगवान की. तो प्रभु जी मुझे जस्ट एक पूछना था कि हम लोग कैसे मतलब अगर हम लोग सोचेंगे कि ये भगवान की हेतु की कृपा है या भक्तों की हेतु की कृपा है, एक्चुअली कैसे हम लोग डिफरेंशिएट कर सकेंगे कि ये हेतु की कृपा भगवान की है, ये हेतु की कृपा भक्तों भगवान के भक्तों की है, और एक पॉइंट था. और प्रभु जी मुझे जस्ट पूछना था क्या भगवान की कृपा भक्तों की कृपा हेतु की कृपा के पहले होती है उसके बाद होती है. हरे कृष्ण प्रभु जी. धन्यवाद प्रणाम. हरे कृष्ण प्रभु. आई विल ट्राई माय बेस्ट प्रभु कि जो कुछ हम सुनते हैं हम भक्ति में आने के बाद सुनते हैं तो जो शुद्ध भक्त की जो सोच है वो हमेशा गुरु मुखा पद्मा वाक्य, मतलब जो कुछ भगवान बोलते हैं उनके मुखारविंद से, भगवान के मुखारविंद से जो भी कुछ निकलता है वो मतलब जो शुद्ध भक्त है उनके मुंह से भी एज इट इज निकलता है. तो जो भगवान की कृपा है, भगवान की हम जैसे कि देखते हैं कि भगवान कृष्ण से ज्यादा मर्सीफुल राधा रानी है उनके जो भक्त राधा रानी, तो उसी तरह भगवान के भगवान से ज्यादा ऐसे तो भगवान के मतलब भगवान जो कृपा देते हैं एज इट इज भक्तों भी भक्त भी वही तरह कृपा देते हैं, पर उनसे ज्यादा मर्सीफुल उनसे ज्यादा मर्सीफुल हम देखते हैं कि भक्त है. जैसे कि हम अगर श्रील प्रभुपाद जी का ही एग्जाम्पल देखे, श्रील प्रभुपाद जी मतलब कितने कृपालु थे कि अगर वो चाहते तो वृंदावन में बैठकर ही मतलब अपना मतलब जो भी कुछ कार्य उधर कर सकते थे, बट उनकी इतनी असीम कृपा थी कि वो वेस्टर्न में आए और ऐसे ऐसे भक्तों को उन्होंने मतलब ऐसे लोगों को उन्होंने भक्त बनाया. तो भगवान से ज्यादा कृपामय भक्त है और उनकी कृपा हो गई तो डेफिनेटली जैसे कि हम बोलते हैं कि हम जो भी कुछ सुने हैं उसमें मैं बोल रहा हूँ प्रभु कि अगर भगवान भक्त की कृपा हो गई तो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा वहां पे हो जाती है. तो हमें हमेशा हम उसके लिए देखते हैं कि हम जब कभी हम लोग प्रयास करते हैं तो हम पहले भक्तों के द्वारा ही जाते हैं. इवन हम जैसे हम मंदिर में भी जाते हैं तो वी प्रे फर्स्ट श्रील प्रभुपाद जी देन वी गो टू लॉर्ड. तो क्योंकि हम अगर भक्त की कृपा हमारे गुरु महाराज या गुरु की कृपा हो गई तो ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा हमें ऑटोमेटिकली मिल जाती है. तो ऑलवेज वी हम लोग डायरेक्टली नहीं जाते, ऑलवेज वी कनेक्टेड विद द गुरु, ऑलवेज वी कनेक्टेड विद द डिवोटीज. जब हम भक्तों की कृपा से भक्त की कृपा हो गई तो हमें
डेफिनेटली भगवान की कृपा ऑटोमेटिकली मिल जाता है प्रभु। तो हम इतना सुनते हैं तो वही मैं यहाँ पे शेयर किया प्रभु की भक्त की कृपा, भगवान की कृपा से ज्यादा भक्त की कृपा होती है, तब ऑटोमेटिकली भगवान की कृपा भी हमारे पर बरसता है प्रभु। या हरे कृष्णा, इफ एनीबडी अपने जो वरिष्ठ भक्त है तो वो कुछ इसके ऊपर पॉइंट करे। हरे कृष्णा यस कुंजेश्वरी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आज का बहुत सुंदर क्लास देने के लिए। और आपने जैसे बताया कि कैसे युधिष्ठिर महाराज जो भी कुछ युद्ध हुआ था उसका सब कुछ जो उसमें जो हानि हुई थी मनुष्य की और सबकी, उसका जो भी गलत हुआ था उसका सब अपने ऊपर ले रहे थे, और जो भी कुछ उनके साथ अच्छा हुआ वो सब श्रेय भगवान की वजह से उन्हें वो पता था। ऐसे प्रभुपाद जी का भी उदाहरण वो मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छे से समझा दिया। और जैसे कि अभी सत्यराज प्रभु ने प्रश्न किया कि भगवान की कृपा है या भक्तों की कृपा समझनी चाहिए, और कैसे जब तक भक्त हमारे ऊपर कृपा नहीं करते तब तक भगवान हमारे हमें देख भी नहीं पाते, मतलब भगवान से हमारा कनेक्शन ही नहीं होता है। तो सबसे पहले हमारे ऊपर जो कृपा होती है वो भक्त की होती है। जैसे श्रील प्रभुपाद जी के आंदोलन में हम लोग जुड़ गए, फिर हमारे गुरु महाराज और सब भक्त हमें उनका संग मिलता है, फिर उनकी जो कृपा होती है गुरु महाराज की उसी की वजह से फिर भगवान हमें देखते हैं। हम लोग जब प्रसाद भी ऑफरिंग करते हैं तो हम लोग डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं भगवान को, हम लोग पहले अपने गुरु महाराज का प्रभुपाद जी का महामंत्र बोलते हैं और फिर भगवान का नमो ब्राह्मण्य देवाय गो ब्राह्मणी तेज, मतलब हम लोग कुछ ऐसे स्टैंप लगाते कि हम लोग इनकी तरफ से आए हैं तभी भगवान हमारा प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, भोग लगाते हैं। हर एक चीज जो है वो भक्तों की वजह से मिलती है। तो पहले हमारे ऊपर भक्त की कृपा होती है गुरु महाराज की, उसके बाद फिर भगवान हमें देते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। या थैंक यू सो मच कुंजेश्वरी माता जी फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट, एंड थैंक यू सो मच सत्यराज प्रभु फॉर ये जो क्वेश्चन आपने रेस किया प्रभु, उससे सबका लाभ है। यहाँ पे जो भी कुछ जो भी कोई है डिवोटी से उनको सबको ये लाभ मिल रहा है कि किस तरह से हम भक्तों की कृपा होती है। तो थैंक यू सो मच सत्यराज प्रभु फॉर रेजिंग दिस क्वेश्चन। हरे कृष्ण। या यस समीर प्रभु। थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा क्लास आपने, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल्स दिए और अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया था हर एक चीज को। और थैंक यू कुंजेश्वरी माता जी और सत्यराज प्रभु जी, आपने एक क्वेश्चन पूछा था और सरोदी के दर प्रभु जी आपने आंसर बराबर आपने और कुंजेश्वरी माता जी बहुत अच्छी तरह से आंसर दिया था। प्रभु जी आप जो बोल रहे थे ना वो कर्म का और वो जो कर्ता और ये जो हम लोग ये इस पे चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत एक अच्छा पॉइंट बताया था, तो जस्ट वो बताना चाह रहा था कि बीच में उनका एक वीडियो में देख रहा था तभी उन्होंने मतलब बोला था कि दो तीन चीजें, एक तो कर्ता है मतलब परिश्रम है, बाद में काल है और उसके बाद डेस्टिनी है अपना प्रारब्ध है। तो ये तीन चीज एक साथ आने के बाद ही क्रिया संपूर्ण होती है और फल मतलब सक्सेस मिलता है। इसमें से एक भी चीज अगर नहीं रही तो सक्सेस होता नहीं है। तो उन्होंने एग्जांपल ऐसे ही दिया था कि मतलब काल का एग्जांपल उन्होंने भी वही दिया था कि बच्चा ये बच्चे का जन्म लेना है उसको 9 महीना लगता है, फिर क्रॉप्स मतलब हम लोग खेती करते हैं तो खेती से उगने के लिए भी काल लगता है, उसकी तरह परिश्रम तो कंपलसरी है और प्रारब्ध नसीब जो है वो कंपलसरी है। तो उन्होंने बहुत अच्छा इंडियन लोगों का एग्जांपल दिया था कि इंडियन लोग परिश्रम करते नहीं है, सब डेस्टिनी पे छोड़ते हैं, और वेस्टर्नर्स है वो परिश्रम बहुत करते हैं, उनको डेस्टिनी मालूम नहीं रहती, उसके लिए दोनों के तरफ से फिर प्रॉब्लम होता है। उनको डेस्टिनी मालूम नहीं रहती उसके लिए वो डिप्रेशन में चले जाते तो अगर सक्सेस नहीं मिला तो, और इंडियंस लोग परिश्रम ही करते नहीं है सब डेस्टिनी पे छोड़ते उसके लिए फिर अपने पास भी सक्सेस आता नहीं है। तो ये चैतन्य चरण प्रभु जी ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, तो जस्ट ए पॉइंट मुझे आपको बताना था। हरे कृष्णा प्रभु जी।
हरे कृष्णा। या थैंक यू सो मच समीर प्रभु फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट प्रभु। यही प्रभु जी वो अपने जो अगर हम ये जो 18-14 श्लोक में देखेंगे तो प्रभुपाद जी भी एज इट इज बता रहे प्रभु, जो चैतन्य चरण प्रभु जी ने बताया था वो तात्पर्य में बता रहे प्रभु जी। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच समीर प्रभु फॉर हाईलाइटिंग दिस पॉइंट। हरे कृष्णा। थैंक यू सरोजी प्रभु जी, थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सरोदय प्रभु, फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू, बहुत अच्छा क्लास था। और मेन जो था कि सड़न सेवा तुमने ले लिया, ये एक्चुअली कुंजेश्वरी का था ये वर्स, लेकिन उसका तबीयत ठीक नहीं है, इसके लिए इमिडिएटली तुमने ये अपॉर्चुनिटी सेवा का ग्रैब कर लिया, तो थैंक यू। एक्चुअली ये तुम एंड सूरत माधव प्रभु दोनों भी एक बहुत अच्छा सेवा एटीट्यूड है, और इमिडिएटली यू पिक अप दिस सेवा, सो थैंक यू। और दूसरा जो क्लास के बारे में, क्लास तो एज यूजुअल अच्छा था ही तुम्हारा, और जो क्वेश्चन आंसर सेशन था दैट वाज आल्सो वेरी नाइस। तो ऐसे ही मतलब अच्छा सेशंस देते रहो, यही भगवान के चरणों में प्रार्थना है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू फॉर गिव अस ब्लेसिंग प्रभु, भक्तों की ब्लेसिंग से सब कुछ हो रहा है प्रभु, तो थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा टू मतलब हमें सेवा में रखने के लिए प्रभु, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।